सपा के कद्दावर नेता आजम खान जहां जौहर विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर मुश्किलों में घिरे हैं, वहीं अब पूर्व मंत्री काजिम अली खान के बेटे हमजा मियां ने आजम खान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। हमजा मियां ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जौहर विश्वविद्यालय परिसर में जो बंगला है उसके नीचे कई सौ साल पहले नवाबों ने राम मंदिर बनवाया था, लेकिन आजम खान ने सत्ता के बल पर राम मंदिर के स्थान पर बंगला बनवा लिया। आज भी वहाँ मंदिर के निशान है। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिला प्रशासन, शासन, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्र सरकार तक से शिकायत की गई है। जौहर यूनिवर्सिटी में बिजली, जल निगम, लोक निर्माण विभाग आदि का पैसा लगा होने की शिकायत कर जांच कराने की मांग की गई। इस पर अलग अलग माध्यमों से शासन ने प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। और यूनिवर्सिटी में भी लगाए गए होंगे, उसकी भी जांच करी जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्टैचूज गायब हो सकते हैं, नवाब गेट की सीढ़ी गायब हो सकती है। ये भी मेरा अच्छा एक लेटर मैंने डीएम को दिया था और ये मुरादाबाद से मुझे रिस्पांस मिला है, जिसपे डीएम को आदेश किया गया है जांच के लिए, जिसमें नवाब गेट की सीढ़ी, स्टैचूज, रामपुर क्लब के शेर और बिलियर्ड टेबल्स, ये सब करोड़ों की टेबल्स थी। वो टेबल का वुड करोड़ों का था जो बिलियर्ड टेबल यूनिवर्सिटी को जाई गई है, तो मेरी इस पर तो जांच होनी चाहिए। और ये सारा खेल आजम खान का है और किसी का नहीं है।